हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो भाई काफी पसीने आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा धूप में बैठ के पसीने सुखा लूं, लेकिन भाई उल्टा पसीने आ रहे हैं यहाँ पे, देख सकते काफी सारे पसीने। तो खैर ये बात तो दूसरी है, अंदर चलते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं 4 न्यू आइटम लेकर आऊं फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस वीडियो को देखने बाद आप बोलोगे। एक बात और देखा इस यहाँ पे साइकिल खड़ी है, नेक्स्ट वीडियो का आपको हिंट दे रहा हूँ। बताएगा इस साइकिल में क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, कमेंट करके बताएं प्लीज दोस्तों। चलेगा चलते अपने टॉपिक पर, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस आईडी नंबर 1 की तरफ आते हैं और इस दौरान एक पत्ता कूद गया है जो कटर ब्लेड है, वेट हैंड नहीं, हमें सिर्फ दो चाहिए। और भाई मैं आपको पुराने क्यों दिखा रहा हूँ, भाई सारे घिसे पिटे हैं, लेकिन गाइस ये काफी काम की चीज है कि माने बोल। तो गाइस ये पहला आईडी है और सारे आईडी जेन्युइन होने वाले हैं फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत काम के हैं। चले गाइस चलते हैं। तो भाई इनमें से कोई भी दो छोटे बड़े नोटे मोटे कोई भी ले लो। तो चलिए गाइस एक तो ये ले लिया और भाई एक ये ले लिया, दोनों एक से ले लेते हैं वरना थोड़ा जीव ले देगी। ये टूटा हुआ है, टूटा हुआ भी काम करेगा ठीक है। और बाकी को ये कुछ भाई लकड़ी के पीस है, कोई भी ले सकते हो, यहाँ मैं इन्हें आपस में जोड़ दूंगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ वॉशर है भाई, कुछ स्क्रू है, दो स्क्रू, और भाई देखिए मैं इसे यहाँ लगाऊंगा बीच में, गाइस एक कोने टाइप का बनना चाहिए। चलो यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ने रोकेंगे स्क्रू से, और भाई एक ये रहा, ये एक जुआ टाइप का बन चुका है, लेकिन फ्रेंड्स ये बना क्या है, और आप इसे ऐसे भी घुमा सकते हो, देखिए अगर घूम जाए तो, देखिए ये हल्का घूम रहा है और आप इसे यहाँ से लूज करके और भी घुमा सकते हो ठीक है। चलेगा फटाफट की टेस्टिंग करते हैं भाई आखिर बना क्या है। तो गाइस ये रहा नाइफ जो कि पुराना खुट्टल नाइफ है, और आपके घर में कुछ इस तरह का नाइफ होगा। सिंपल सी बात है गाइस, जब आप इसका यूज करोगे इसकी शार्पनेस खत्म होनी ही होनी है। गाइस देखिए ये खीरा है, अब देखिए देखिए गाइस काट तो लेकिन भाई वो वाला मजा नहीं है, देखिए खीरा बेचारा कट ही जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स वो वाली बात नहीं है। जैसे भाई ये टमाटर है, टमाटो और गाइस देखिए भाई काट तो लेगी फ्रेंड्स वो वाली मजेदार ही नहीं है ठीक है भाई। तो इस रखते हैं साइड में और भाई ये जुगाड़ को लेते हैं। अब गाइस देखिए भाई वाह, गाइस बिल्कुल फ्री का जुगाड़ धार लगाने के लिए और 100% वर्किंग भी है। देखिए ये ग्रीन आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखिए और चाहो तो गाइस ऐसे भी छाप कर सकते हो चाकू को पलट के। इस जुगाड़ की खास बात ये हाथ में नहीं लगना, हाथ को कुछ नहीं करेगा ये, और आपके नाइफ को काफी अच्छे से छाप कर देगा। जब यहाँ से गिर जाए तो थोड़ा सा आप घुमा सकते हो, जिससे भाई दूसरा देखिए यहाँ से हट गया है, नया आ गया है। चले गाइस देखिए शार्पनेस काफी बढ़ गई है ठीक है, और आपके सामने बिल्कुल लाइव है जो भी है ठीक है। अब भाई मैं इसे कट करके देखा, देखिए गाइस देखिए देखिए तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा पहले से। और भाई ये रहा देखिए देखिए देखिए, चलिए मैं आपको पूरा काट के दिखा दूँ एक बार, देखिए देखा इस टमाटर फट नहीं रहा है, कट रहा है बहुत आसानी से। तो हेलो फ्रेंड्स, ये जुगाड़ भी आपको अच्छा लगा, बहुत सिंपल जुगाड़ है, जरूर बनाइए, बहुत मस्त काम करता है। चलेगा फटाफट सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। तो गाइस सेकंड आईडी के लिए हम लेंगे टिन कनस्तो, जो कंटेनर होता है ऑयल का रिफाइंड का, उसकी शीट ही मैंने कट कर ली है। तो गाइस यकीन मानिए भाई ये काफी धांसू आईडी होने वाला है, और भाई लेंगे एक लकड़ी का टुकड़ा, आप छोटा बड़ा नोटा मोटा कैसी भी ले सकते हो, और भाई यहाँ पर लगाते हैं कुछ तरीके से, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे फ्रेंड्स। इसके अंदर में होल करने हैं, छेद करने हैं, जितने छोटे मोटे नोटे जैसी मर्जी कर दो, बस भाई काम शुरू कर दो। भाई होल करने के लिए मैंने एक स्क्रू लिया है, हाफ चूड़ी जो देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको एक कील भी ले सकते हो, और यहाँ पे मैं छोटी सी नोक बना दी है इसकी, देखिए इससे आएगा मजा, छोटे हो बड़े हो और कोई टेंशन नहीं। गाइस बहुत शार्प हो गया है गिरमानी, बहुत ज्यादा शार्प है भाई ये। तो मैं करता क्या हूँ, मैं कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता हूँ। देखिए इसमें भाई मुझे इसे फिक्स करना है, तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ और इसे ऐसे खोल लेता हूँ, हो गया। तो मैं यहाँ से सीधा कट ही कर देंगे, ज़्यादा झंझट नहीं पालेंगे भाई, ये सीधा इसमें फिक्स रखा है मैंने, देखिए फिक्स हो गया। वैसे ये काफ़ी चुप रहा है बॉस। तो गाइस ये बन चुका है एक तरह का सैंड पेपर, कुछ चलने टाइप का आपने देखा होगा ना, कि कुछ छानते मानते हैं गेमों उस तरह का, लेकिन फ्रेंड्स भाई काफ़ी शार्प है। चले गाइस मैं इसकी थोड़ी सी शार्पनेस आपको दिखा दूँ, देखा इस जैसी है भाई पीवीसी पाइप की चीट, वो इसको मैं करके देखता हूँ। जी गाइस देखिए
देखिए बहुत बढ़िया, मैं थोड़ा सा दबा लेता हूँ। देखिए कितनी हैवी शीट है भाई, कितनी आसानी से घिस दिया, बल्कि उधेड़ दिया। गाइस अगर आपको दोबारा शार्प करनी है तो भाई आप इसका यूज कर सकते हो या नई शीट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थोड़ा सा हैवी पीस भी देख लेते हैं। जैसे गाइस ये रहा हमारा छेरी सिंह, और गाइस जब से हमने चैनल खोला है ना 3 साल तो अप्रोक्स होने वाले हैं भाई, ये हमारा साथ है। मैंने फ्रेंड्स इससे बहुत लगाव है, और भाई गाइस इसका लगभग टाइम आ ही गया है, देख सकते हो इससे ज्यादा छेद तो भाई कहीं नहीं होंगे। अब इस पर टेस्ट करके देखते हैं, थोड़ी सी साफ जगह दी गई। देखिए बहुत बढ़िया, तो भाई देखिए इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और गाइस ये अभी भी काफी शार्प है। और गाइस आप चाहो तो इससे छोटा इससे बड़ा बना सकते हो, और काफी लोग जो कोकोनट होता है नारियल उसे घिसने के लिए इसका यूज लेते हैं। बहुत से लोग तो भाई साहब इतने कठोर वो होते हैं हार्ड कि भाई साहब जब पैर की एड़ी होती है ना भाई उन्हें रगड़ते हैं। खैर भाई अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी करूंगा। तो गाइस ये भी कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, ये वाला आइडिया आपको चलेगा चलेगा। फटाफट थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। तो गाइस थर्ड आइडिया लेंगे एक लकड़ी का टुकड़ा, और गाइस इसकी जगह आप पीवीसी पाइप की शीट भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये काफी फास्ट होगा, आपका टाइम बचेगा और भाई मेहनत भी काफी बच जाएगी। थोड़ी बात यह है इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्स 9 इंचेस है, यानी कि अगर देखा जाए तो 23 सेंटीमीटर। इसका गाइस हम हाफ कर लेंगे, तो गाइस इसका हाफ बैठेगा 4.5 इंच। तो भाई दो पीस कट चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे लेते हैं ब्लेड, आई थिंक इसे यूटिलिटी ब्लेड कहते हैं, और कोई भी आप एक चमचमाता से ले लें, जैसे कि ये रहा, वो देख लेते भाई कौन सरफेस इनकी मिली हुई है। ठीक है गाइस हमें इन दोनों में स्लॉट बनाना है, कुछ खांचे टाइप का कटिंग करेंगे बीच में दोनों में। तो गाइस इसमें कुछ मैंने स्लॉट कर लिए हैं, और गाइस इसके अंदर डालो इसके, और भाई देखिए ये इतना बैठ रहा है। ठीक है गाइस यहाँ पे लेंगे एक कब्जा, हिंज कहते हैं इसे, और भाई इसके बैक साइड में इसे लगाना है। लेकिन गाइस ये काफी बड़ा है तो हम इसे कट कर लेंगे इसके हिसाब से। तो गाइस ये कुछ चिमटे टाइप का बन गया है, और भाई हमें करना क्या है, दिक्कत ये है कि भाई देखिए ये वापस नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक ऊपर आना चाहिए। तो गाइस इसके लिए कुछ स्प्रिंग लेकर आऊं भाई, मैं मोटरसाइकिल शॉप पे जहाँ पे रिपेयर होती है मोटरसाइकिल, तो इसमें से हम देखें कौन से ले सकते हैं। देखिए काफी सारी तो नहीं है लेकिन ये काम कर जाएगी आई थिंक। देखिए तो ले गाइस ये बन चुका हमारा वेजिटेबल कटर, या नहीं भाई ये नहीं, फिंगर कटर भी बन जाएगा, ये बहुत इजी कट कर देगा। चले गाइस फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं, काफी मजा आने वाला है। तो गाइस ये मैं कुछ 2-2 रुपए की 1.5-1.5 रुपए की सब्जी लेकर आऊं, जानता हुआ भाई भगाया इसने मुझे दे दिया। तो गाइस चलिए सबसे पहले भाई पतले कट कर देखते हैं एक से क्या होगा, एक साथ 3-4 कट कर देंगे। देख गाइस कट गया, देखिए नहीं बहुत बढ़िया काम करा, देखिए। और भाई अब लेते हैं थोड़ी सी मोटी हरी मिर्च, देखिए ये है भाई हरी मिर्च और कटा, देखिए गया अंदर, वो सॉरी मैंने थोड़ी बाहर निकाल दी थी, अंदर करते हैं। देखिए ये कट गया, और भाई ये है तो रही, थोड़ी कट करके देखते हैं भैया भाई, तो गाइस हलवा है बिल्कुल। देखिए गाइस ये जो है ना स्पेस काफी कम है, देखिए तो भाई तोरी थोड़ी मोटी है तो आप इससे भिंडी कट कर सकते हो, आप मिर्च या फली कट कर सकते हो। देखिए यहाँ से पतली है तो देगी, तो यहाँ फ्रेंड्स ये फंस रही है तो आप इसे वैसे देगी ऐसा कट कर सकते हो, यानी कि फ्रेंड्स ये थोड़ी मोटी है। देखिए फ्रेंड्स वैसे ही 100% वर्किंग है, देखिए मिर्च के साथ ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी पतली मिर्च देगी। गाइस आप इसका एक फायदा वो भी ले सकते हो भाई, ये पौधा है और काफ़ी अच्छा पौधा है हमारा। देखिए आप यहाँ पर इसके आसानी से कटिंग कर सकते हैं, देखिए और भाई किसी और कटिंग देगी तो पकड़ा और कट कर दिया और दे दिया, बहुत आसानी से आप इसी कटे यानी कटाई छटाई किसी पौधे की कर सकते हो। गाइस जैसे कि एलोवेरा है और थोड़ा बहुत पौधे लगा रखे यार मैंने भी थोड़ा थोक के लिए, मुझे काफी अच्छा लगता है, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। देखिए और आपके हाथ भी नहीं सनेंगे, ठीक है आपके हाथ खराब नहीं होंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। और गाइस सबसे खास बात है देखिए गाइस ये वापस आ जाता है, बाय चांस का ब्लेड खराब होता है आप इसे निकाल के दोबारा ब्लेड को लगा सकते हो, आप वॉश भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा, चलेगा फटाफट 4 नंबर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही उधम काटने वाला आइडिया है, देखिए
यह है भाई ब्रश जो कि सिर्फ 10 रुपये का मिला है, 1 इंच का। और भाई यह है एक सिरिंज, और आप इसे छोटी भी ले सकते हो और इस खतरनाक चीज को थोड़ा साइड रखे तो अच्छा ही होगा। ठीक है तो भाई ये रही, देख इस तरीके से गाइस की भी लगता है कुत्ते की तरह बाल झड़ रहे हैं। ठीक है मैं निकाल देता हूँ। तो गाइस देखिए ये इसका हैंडल है, हमें इसे बिल्कुल निकाल देना है। निकालना बहुत ईजी, देखिए ये जो छोटे छोटे कील है इन्हें निकाल दोगे तो भाई इजीली निकल जाएगा। लीजिए बिल्कुल खाली अंदर से, अब हमें इसके अंदर होल करना है। गाइस होल हो चुका है और भाई इसके अंदर ये जो सिरिंज है ये बॉडी है ये इसके अंदर मैं डालनी है। लेकिन गाइस दोनों की शेप बिल्कुल अलग है तो भाई इसकी शेप इस जैसी करते हैं। तो गाइस ये लगभग इसके इक्वली आ रहा है, देखिए बिल्कुल शेप अच्छे से इसकी फिट बैठ रही है। और भाई इसे काट देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब भाई इसको लगा देते हैं। हाँ आवाज आ रही है लगी जी। तो गाइस ये कंप्लीट हो गया है और गाइस ये बन चुका ब्रश। फ्रेंड्स आप बार बार जैसे भाई सपोज कि ये पेंट का डिब्बा है, बार बार ऐसे डालने जरूरत नहीं है, एक बार इसके अंदर पेंट डाल दो और भाई चलते रहो। चलो फटाफट प्रैक्टिकल देख लेते हैं यार। गाइस काला पेंट तो ऑटोमेटिक भाई लग जाता है कपड़ों से, तो साइड में फिलहाल बंद कर देता हूँ इसे। भैया मेज पर रखना बेकार है, नीचे रखो। और गाइस अब करते हैं भाई आराम से इसके अंदर, देखते गाइस ये आइडिया हमारा कितना सक्सेसफुल होता है। बस ठीक है, और भाई इसे ऐसे कर लेंगे जिससे गाइस ये थोड़ा नीचे को जल्दी ना निकले, ठीक है, वरना सारा बाहर निकल जाएगा। बस देखिए ऑलरेडी आ चुका है, अब नहीं आएगा गाइस ये लग गया है ना, और उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सपोज कि ऐसे लग रहा है और भाई देखिए आ गया। अगर आपको कंटिन्यू करना हो तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, इसे ऐसे पकड़ लो और देखिए इस तरीके से देखिए इसमें से ये निकल रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छी टेक्निक है और ये लग चुका है यहाँ पर। और गाइस आप चाहो तो इससे बड़ा या तो सिरिंज होती है इंजेक्शन वो भी लगा सकते हो, ठीक है, और इसमें एक फायदा होगा पुराना सिरिंज आप यूज़ करते हैं लेकिन नई सिरिंज काफ़ी चीप आती है तो भाई आप उसका यूज़ करें। देखिए तो भाई ये आइडिया हमारा सक्सेसफुल रहा, वो भी 100%। देखिए कितनी फास्ट काम हो गया और गाइस अभी भी इसके अंदर पेंट काफ़ी बाकी है। भाई इसे वापस खींच लो जिससे कि देखिए अगर वापस खींच लोगे ना तो वापस आ जाएगा सारे इसके अंदर से। देखिए यहाँ पर बस नो टेंशन। तो फ्रेंड्स आई होप ये आइडिया आपको काफी मस्त लगा, अच्छा लगा, यूजफुल होगा। प्लीज दोस्त वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जो पता है इनमें से कौन सा आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।